मेरा एक सपोर्टिंग पार्ट है फिल्म में, सपोर्टिंग रोल, एक क्राइम ब्रांच में ऑफिसर है, ACP क्राइम ब्रांच। वो एक बहुत ही जिंदा दिल और खुले दिल का इंसान है। उसके जीने का तरीका अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है, दायरे में रहता है, लेकिन जैसे मैंने कहा, जिंदा दिल इंसान है और बातें कम करता है, काम ज़्यादा करता है, खुश रहता है, पॉजिटिव इंसान है। प्रेममय क्या है? प्रेममय प्रेम की कहानी है, एक रिलेशनशिप्स की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो जो अभी अभी प्रोफेशनल लाइफ में घुसी है, उसकी शादी हो जाती है, और कैसे वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो प्यार है वो यहाँ उसे तरक्की करने से खींच रहा है, रोक रहा है, और दूसरे लेवल पर बहुत अपने को महसूस करती है कि वो इस्तेमाल की जा रही है, इमोशनली मैनिपुलेट की जा रही है अपने हस्बैंड के ज़रिए। हस्बैंड का किरदार जो चंद्रचूड़ सिंह प्ले कर रहे हैं, सो ये ऐसा किरदार है जो कई औरतें जो एक रिलेशनशिप में रहती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप बहुत साल पहले ख़त्म हो चुका हो, जस्ट कि वो फैमिली वैल्यूज़ और ट्रेडिशन को कायम रखने के लिए, ये उस लड़की की कहानी है। मैं सर आपसे, मैंने किसी हाँ क्या था सवाल, ये था कि आप बहुत सीरियस एक्टर मानने आए थे, चाहे एनी फिल्म, मैं बता दूं जी, जी आपका प्रोडक्शन भी उस तरह की जुड़ा रहा है जिस तरह की फिल्म संजीदा रहती है, कि मैं मैंने सोशली रेलेवेंट फिल्म्स की हैं, और लेकिन अब मुझे कॉमेडी की तलाश है, लेकिन पर्सनली मैंने वो फिल्म्स प्रोड्यूस भी की हैं। वैसे हमने कॉमेडी भी थोड़ी लाइट हार्टेड प्रोड्यूस की थी, सॉरी भाई, बट मोस्टली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो या मैंने खुद देखे नहीं हैं पर्दे पर, या फिर देखे हों, या एक और कोई अच्छी कहानी आई हो वो हम दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है सिनेमा ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपकी बदल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायलॉग स्टार्ट करता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है। सो इसीलिए माय ब्रदर निखिल जैसी कहानी, आई एम ए, चार सब्जेक्ट्स थे। इस कहानी में भी मुझे ऐसा लगता है कि कई औरतें हैं या मर्द भी हैं जो सिर्फ एक ट्रेडिशन, एक अपनी वैल्यू सिस्टम की वजह से उस रिश्ते में जी तो रहे हैं, जीने का एक जैसा सोच रहे हैं कि एक 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 ढोंग जैसा है, लेकिन वैसे वो रोज़ उन रिश्ते में मर रहे हैं क्योंकि वो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो बच्चों की वजह से रुके हुए हैं इकट्ठे या किसी भी वजह से, लेकिन कहीं पे प्यार आपको या तो बिल्कुल अपलिफ्ट कर सकता है या फिर बिल्कुल आपको ख़त्म कर सकता है, ड्रेन कर सकता है। सो ये उस औरत की कहानी है जहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पाती, और जब लेती है तो कितना वक्त बीत चुका है, क्या क्या उसने खोया है और क्या पाएगी अब। सो ये मुझे लगता है इस किरदार को बहुत औरतें से आइडेंटिफाई कर पाएंगी। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। कई औरतें हैं जिनको समझ में नहीं आता वो क्या करें, और शायद ये फिल्म देखेंगी तो उन्हें हिम्मत शायद मिले। प्रेम में आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे किरदार ज़रूर मिलेंगे जो आपके चाहे फैमिली में हो या सोसाइटी में हो या दोस्त हो, आप ऐसे लोगों को ज़रूर जानते होंगे, सो आप रिलेट कर पाएंगे उनके साथ। एक सिंपल सी कहानी है और सिंपल फिल्म है, लेकिन कुछ अलग कहने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। कोलकाता टीवी के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सूरी। कोलकाता टीवी के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।